फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास किचन। और आप सब लोग कैसे हैं? और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो है पानी पूरी की पूरी। पानी पूरी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपकी पानी पूरी की पूरी एकदम फूलेगी और कुरकुरी और करारी बनेगी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं हमारी पूरी बनाना। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बाउल सूजी। 2 बाउल सूजी से लगभग 110 से 120 पानी पूरी बन जाएगी। उसके बाद हमें लेना है 1 ग्लास पानी, जिसे हमें एकदम गरम कर देना है। गरम पानी से ही हमें डो लगाना है। तो अभी हम लोग डो लगाएंगे। हम लोग धीरे धीरे हमारे सूजी में पानी डालेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल भी डो गीला नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमारा डो लगाना है। हमें एक मीडियम टाइट डो चाहिए, ताकि हमारी पूरी एकदम क्रिस्पी और करारी बने। अगर डो गीला हो जाएगा तो हमारी पूरी एकदम ऑयली हो जाएगी, और हमें जैसी पूरी चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हमारा डो लगा देना है। हम इस डो को 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट के लिए रख देंगे। तो गाइस, हमारा डो एकदम रेडी है। और अब हम इस डो से हमारी पूरी के लिए छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। इसी तरह हम लोग हमारे पूरी के लिए लोई बना देंगे। और ध्यान रहे, हमारे लोई एक जैसे साइज के होने चाहिए, ताकि हमारी पूरी भी सब सेम साइज की बने। सारी लोई रेडी है और हम स्टार्ट करेंगे अब पूरी बेलना। हम लोग को पूरी एकदम मीडियम बेलनी है, जना ज्यादा पतली हो ना ज्यादा मोटी हो। पतली हो जाएगी तो पूरी ऑयली हो जाएगी, और पूरी जब खाएगी तो वो फूट जाएगी, और मोटी होगी तो थोड़ी नरम भी रह जाएगी फ्राई के टाइम पे। सो ध्यान रहे कि पूरी हमें मीडियम बेलनी है। इस तरह से हम लोग को हमारी सारी पूरियाँ बेलनी है। मैं पूरियाँ बेलने के बाद इसे एक प्लास्टिक के शीट पे सुखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे कपड़े पे भी सुखा सकते हैं। और इस तरह हम लोग हमारी एक एक पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी बेल के उस पर सुखाए तो इसे ढक लो, या फिर फैन के नीचे बिल्कुल भी ना बनाए, वरना पूरी सूख गई तो आप जब फ्राई करोगे तो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी पूरियाँ। यहाँ मौसम ठंडा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। तो गाइस, हमारी सारी पूरी रेडी है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे, हमने जो फर्स्ट बेली थी, हम लोग वैसे ही इसे फ्राई कर लेंगे। हम उठा के इसे पलट के तेल में नहीं डालना है, जैसे उठाया है वैसे ही हम लोग इसे तेल में डालेंगे। और हमें इसे डालने के बाद हल्का पूरी को टैप करना है, जिससे हमारी सारी पूरियाँ फूले। हमें पूरी हमारी मीडियम फ्लेम पे ही बनानी है। तो गाइस, आप हर पूरी को टैप करेंगे तो आपकी पूरी 100% फूलेगी। और आपने अगर डो अच्छे से लगाया है तो आपकी पूरी फूलनी ही है। तो अब हम लोग ऐसे सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं हल्का टैप कर रही हूँ और मेरी पूरी फूल जा रही है। पूरी हमारी लाइट ब्राउन हो जाए तो हम लोग इसे पलट लेंगे, और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। गाइस, हमारी पूरी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। और आप इस ट्रिक से पानी पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरी 100% ही फूलेगी, और आपका तेल भी बहुत कम ख़त्म होगा, और कढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो हम लोग इसी ट्रिक्स के साथ हमारी सारी पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। सारी
सारी पूरी रेडी और हम लोग चेक कर लेंगे हमारी पूरी क्रिस्पी बनी है या नहीं। तो ये एकदम क्रिस्पी और करारी बनी है। तो गाइज ये थी मेरी पानी पूरी की रेसिपी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।